सेक्सुअल ओसीडी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वे सेक्स के बारे में बार बार गंदे विचार आना या सेक्स के बारे में कुछ एक्शंस या कृति करना, कंपल्शन करना, या प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ध्यान जाना और बहुत अकवर्ड फील होना, ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल ओसीडी के प्रकार है। उसके बारे में मैं आज बातचीत करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी यह ऐसी एक मानसिक बीमारी है कि जिसमें बार बार इररिलेवेंट विचार आते रहते हैं। रिलेवेंट भी हो सकते हैं मगर ज़्यादा इररिलेवेंट ही रहते हैं। उसका मालूम है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई उसके ऊपर कुछ करने का नहीं है, मगर तभी भी बार बार वही भी विचार आएंगे। खुद से नहीं चाहते हुए भी विचार आएंगे और वो विचार आने के बाद में इतना टेंशन आता है, इतनी घबराहट आती है, इतनी बेचैनी आती है कि आदमी कुछ तो भी करता है उसके लिए, तो वो कंपल्शन हो जाता है और वो करने से उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है, इसलिए वो करता है। फिर बाद में फिर टेंशन आएगा, फिर विचारों का, फिर विचार आएंगे, फिर बार बार वही जब तक वो करता है तब तक वही विचार चालू है, फिर वो कृति करेगा। तो ये विचार, कोई भी विचार आते हैं, विचार आता है कि हाथ गंदे हैं, बहुत गंदे हाथ, गंदे हैं, गंदे विचार आएगा, फिर हाथ जाके धोना, बाद में उसको अच्छा लगता है। या ताला चेक करना, बार बार जाके ताला चेक करेंगे, ताला लगाए कि नहीं लगाया, या फिर स्नान करना, अपना शरीर गंदा हो गया है, या बाहर से कोई आया तो अंदर आने देना नहीं जब तक वो जूते चप्पल बाहर निकाल के हाथ पैर धो के अंदर आता नहीं तब तक, क्योंकि बाहर कहीं तभी आप गए होंगे और कहीं हाथ लगाए होंगे। कुछ लोगों को डेड बॉडी का डर लगता है कि भाई डेड बॉडी देखी, उसके यहाँ से आप आए होंगे या उसको देखा होगा, फिर उसकी गंदगी लगी होंगी, ऐसा उसको विचार आता है। तो कुछ लोगों को कुत्ते की लार जो है वो लग गई होंगी, या बिल्ली या और भी ऐसा कोई जानवर है उसका हाथ लग गया होगा, गंदा लगता है, ऐसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कुछ लोगों को ये विचार कम करने के लिए फिर कृति करनी पड़ती है। अभी ये ओसीडी जो है ये भी सेक्स के बारे में रहती है तो बहुत दर्दनाक हो जाती है। वैसे ओसीडी ठीक करना मतलब आसान नहीं है, और फिर सेक्स के बारे में तो और कठिन हो जाता है। सेक्स के बारे में गंदे विचार आते हैं और उनको लगता है कि ये कुछ नहीं किया मैंने तो बुरा हो जाएगा, कुछ तो भी बुरा हो जाएगा करके वो करना ही पड़ेगा। तो सेक्स गंदा लगता है तो कुछ लोगों को इतना गंदा लगता है, स्पेशली औरतें जो है वो, उनको यदि ओसीडी है तो फिर वो बोलती नहीं मेरे को सेक्स करना ही नहीं है, फिर वो अपने हस्बैंड को सेक्स करने देंगे नहीं क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है, और फिर उनका सालों तक सेक्स ही नहीं होता, फिर उसमें झगड़े झंझट चालू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई सेक्स जो है वो सेक्स करने से कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, बुरा हो जाएगा, तो फिर वो सेक्स नहीं करेंगे। एक तो पहले गंदा लगता है करके नहीं करेंगे, बाद में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो सेक्स करूँ तो बुरा हो जाएगा इसलिए सेक्स करते नहीं। यह आदमी को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है। फिर कुछ लोगों को प्राइवेट पार्ट्स की तरफ देखने की ओसीडी हो जाती है। सामने वाली लेडी है तो उसके ब्रेस्ट की तरफ देखना, उसका नज़र वहाँ बार बार नज़र जाएंगी ब्रेस्ट की तरफ, या उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ नीचे नज़र जाएंगी। लेडी रही तो उसकी चेस्ट की तरफ नज़र जाएंगी, प्राइवेट पार्ट की तरफ नज़र जाएगी, तो ये ओसीडी हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भगवान के साथ में मैं सेक्स कर रहा हूँ, ऐसे विचार आते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं देवी के साथ में सेक्स कर रहा हूँ, ऐसे विचार आते रहते हैं, और उनको इतना गिल्टी फील हो जाता है, इतना बुरा लगता है उनको कि यार ऐसा कैसा मैं विचार कर सकता हूँ कि भगवान के साथ में, देवी के साथ में मैं सेक्स कर रहा हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब वो सुसाइड तक चले जाते। कुछ लोगों को माँ के साथ में सेक्स करना, सगी माँ के साथ विचार आते हैं। कुछ लोगों को सगी बहन के साथ में सेक्स करने के विचार आते, करते नहीं है वो, मालूम है उनको कि ये बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, सब मालूम होने के बावजूद भी विचार आते रहते हैं और फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोगों को फेटिश रहते हैं और उनको बार बार विचार आते हैं, उसके ऊपर वो काम करेंगे। फेटिश मतलब क्या है कि उनको बार बार विचार आते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति के अंडरगारमेंट जो है उसको हाथ लगाना, वो पहनना, बार बार उनको वही विचार आएगा, अंडरगारमेंट्स पहनना या हाथ लगाना, अपने पास में रखना, या अंडरगारमेंट्स या जो भी कोई चीज़ें है सामने वाले व्यक्ति की, तो उनको पकड़ना, घिसना या स्मेल करना, ऐसे बार बार उनको विचार वो करते रहते हैं। अभी इसका इलाज क्या है? फिर इसका इलाज यह है कि नंबर एक, दवाइयाँ बहुत ही कारगर है, और जब मेरे पास में आते हैं लोग तो मैं दवाइयाँ देता हूँ। SSRI ग्रुप की दवाई जो है बहुत अच्छी है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लाइक फ्लॉक्सेटिन, फिर सरेट्रालिन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, ये सब दवाइयाँ काम करती है। क्लोमिप्रामिन भी बहुत अच्छी काम करती है इसमें। क्लोमिप्रामिन की है 25 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम तक हम देते हैं, तो वो भी अच्छी काम करती है। धीरे धीरे दवाई बढ़ाना पड़ता है,
मगर दवाई का साइड इफेक्ट है, फिर वो साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए दवाई देनी पड़ती है। और उसके साथ साथ फिर मैं करता हूँ हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, और सम्मोहन उपचार से उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि सम्मोहन उपचार से हम उनके जो इरिलेवेंट थॉट्स जो बार 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 आते हैं उनको कैसे निकालना, उनको कैसे शांत करना, उनको कैसा इग्नोर करना, ये सिखाते हैं। और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी सिखाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई आपको विचार आता है और आप कृति करते हैं, अब अभी कैसे भी करके कृति मत करो, क्योंकि जब कृति करते हैं तो विचार जो है वो रिवार्ड उसको मिल जाता है, वो विचारों को रिवार्ड मिलता है जब कृति करते हैं, तो कृति करते हैं एकदम अच्छा लगता है, तो फिर विचार जब आता है तो फिर आदमी बाद में कृति करेगा। तो इसलिए कृति नहीं करना है, विचार कितने भी आने दो, ये सिखाना पड़ता है। मैं ग्रुप सेशंस करता हूँ हिप्नोथेरेपी के, CBT के, और यदि आपको ग्रुप सेशन में हिस्सा लेना है और ठीक होना है तो आप नीचे कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हुए हैं। आपको मेरा पर्सनलाइज सेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ आना है अकोला में हॉस्पिटल में, आप कभी भी वेलकम है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। OCD की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 500 लोगों में एक व्यक्ति को कम से कम OCD तो रहता ही रहता है। थोड़े बहुत विचार आना, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी रहना, ये तो 100 में से एक व्यक्ति को क्या, 100 में से कुछ स्टडीज में 100 में से 5-5, 6-6 व्यक्तियों को, 10-10 व्यक्तियों को पाया गया है, 100 में से 10 ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। मगर वो अच्छे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी रही तो आदमी एक्चुअली अपनी तरक्की करता है। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब डिसऑर्डर बन जाए तो प्रॉब्लम है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।